बहुत ज्यादा मतलब वेट कम होगा, 1.5 किलो वेट कम होगा 2 दिन के अंदर, बहुत पूरा प्रॉब्लम होगा क्या ना, बार बार क्लीन करना पड़ता है और रेशेस के कारण क्लीन करने नहीं देता। मतलब एक प्रॉब्लम, एक तो मतलब पोटी का हुआ था, अभी डायपर पहनने के चक्कर में दूसरा प्रॉब्लम रेशेस का हो गया है, बहुत सारा दवाई लिया है। बीवन बेबी के लिए एक्सपोर्ट का टी शर्ट लेके आया अभी जाके, ऐसा तो पता नहीं इंडिया जाते जाते कितना लेके आएंगे। अब प्राइस जानूंगी इसका कितना है, ये आपको मार्केट डॉक्टर ने ये दिया है एनर्जी के लिए बच्चे को, ऊपर और ये नीचे, इसमें सेलन होता है, नीचे राइस पाउडर होता है बच्चे के लिए, इसको इसको बोलते हैं राइस सेलन। इसका नाम है लॉटकॉर्न, इसके अंदर ना दाना होता है 5-4, खट्टा मीठा होता है। झालमुड़ी, बांग्लादेश का झालमुड़ी, बुम्बई मिर्ची, इतना तीखा तीखा होता है ना पूरा, एकदम बहुत तीखा होता है, सब लोगों को नहीं देते, हम लोगों ने मांगा है हमको दे रहा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे सुबह के 11 और विवन को देखो, इसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम गांव में गए थे, मेरे गला भी थोड़ा ख़राब हो गए हैं, गांव में से डायरेक्ट आई थी मेरी रूपा दीदी के घर पे, फिलहाल दीपा दीदी के घर पे हूँ, अब सुबह आया यहाँ पे, रूपा दीदी घर पे 2 दिन रुक के आया, 2 दिन के अंदर विवन का हाल ऐसा है, उसको गर्मी के कारण, और डॉक्टर ने मना किया था काओ मिल्क नहीं पिलाने के लिए, और मौसी का घर पे ना काओ मिल्क पिलाया था विवन को, काओ मिल्क पिलाने के कारण यहाँ पे मतलब गर्मी के कारण ऐसा होता है ना, बहुत बार पोटी होता है, दिन में 10 से 15 बार पोटी किया, मतलब ढाका में आके स्टार्ट हुआ, ढाका में आके दीदी का घर पे गई थी आद्री को लेके, क्या ना टाइम नहीं है ज़्यादा, मैं बोला चलो आद्री हम डायरेक्ट दीदी का घर पे चले जाते हैं, रूपा दीदी के घर पे, उधर गया दीदी को शांति ही नहीं मिला, 1 मिनट के लिए दीदी को शांति नहीं मिला, मेरी दीदी के लड़का लड़की दोनों को बहुत मतलब विवन के साथ खेलना था, अभी दोबारा जाऊँगी कुछ दिन बाद, कैसे खेलेंगे पूरा टाइम कंटिन्यू पोटी क्लीन करते करते, मतलब दिन में 10 से 12 बार पोटी क्लीन करते करते मतलब हाल ख़राब हो गए, मुझे भी ठंडा लग गए हैं, और विवन को भी तबीयत बहुत ख़राब है, अभी यही कर रहा है, आज थोड़ा सा अच्छा है, मतलब दीदी का घर पर आया ना पूरा एनर्जी आया है ना, मैं बोला आदरी बोला चलो दीपति घर पे चलो, उधर थोड़ा सा अच्छा लगेगा विवन को, क्या पहले से यहाँ पे रुके ना इसीलिए, और आदरी को कल जाना भी है, उसने एक दिन लेट किया जाने का, उसको आज जाना था, बस विवन का तबीयत ख़राब है ना इसलिए थोड़ा लेट किया है, वो बहुत ज़्यादा मतलब वेट कम होगा, 1.5 किलो वेट कम होगा 2 दिन के अंदर। रूपा दीदी का हस्बैंड बहुत सारा टॉयज खरीदा, मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया उसके घर पे गया, मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, बहुत सारा खिलौना खरीदे इसके लिए, बॉल्स, बहुत सारा गाड़ी, बहुत सारा सॉफ्ट टॉयज विवन के लिए खरीदा था, लेकिन खेले बेचारे क्या खेलेगा, पूरा टाइम टॉयलेट करते थे, और मैं बोला इतना पोटी कर रहा है तो उसको डायपर पहना देता हूँ, क्या ना उसको जब भी वो पोटी करता है ना तो तुरंत मैं डायपर चेंज कर देती थी, अभी ऐसा वो डायपर पहना के रखा, पोटी करने के 1 घंटा बाद चेंज करने गया ना पूरा रैशेस आ गया, अभी ये रैशेस के कारण बहुत पूरा प्रॉब्लम हो गया, क्या ना बार बार क्लीन करना पड़ता है और रैशेस के कारण क्लीन करने नहीं देता, मतलब एक प्रॉब्लम, एक तो मतलब पोटी का हुआ था, अभी डायपर पहनने के चक्कर में दूसरा प्रॉब्लम रैशेस का हो गया है, बहुत सारा दवाई लिया है, और रैशेस पाउडर इंडिया से लेके आया था वो लगा रही हूँ, इसके वजह से थोड़ा सा अच्छा हुआ है यहाँ पे, और विवान को डॉक्टर ने सेलाइन दिया वो बना के पिलाऊंगी, इससे इसका ना बॉडी में थोड़ा सा एनर्जी रहेगा, नहीं तो इतना पोटी करके इसका एनर्जी बहुत डाउन हो गया था, आज फिर भी थोड़ा सा अच्छा है, और तो डॉक्टर ने ये दिया है एनर्जी के लिए बच्चे को, ऊपर और ये नीचे, इसमें सेलाइन होता है, नीचे राइस पाउडर होता है बच्चे के लिए, इसको इसको बोलते हैं राइस सेलाइन, ठीक है बच्चे के लिए होता है, 500 ग्राम पानी में डालना पड़ता है, पूरा नहीं बनाऊंगी मैं, आधा बनाऊंगी तो 500 ग्राम का आधा, 250 ml पानी में, ये नमक शायद है ना, ये बच्चे लोगों के लिए होता है, डायरिया के लिए होता है ऐसा, इसमें लगते हैं राइस के पाउडर है, इसमें नमक के ऊपर वाला में, दोनों अलग अलग सेपरेट है, ये बच्चे लोग पी सकते हैं, बड़े लोग नहीं पी सकते, ना चल नहीं, नहीं चाहिए दीदी, यहाँ पर खाना बना रहे, छोटा फिश, इसके नाम है केसकी, काच की, इसके नाम है बाचकी, इसका नाम पता नहीं मुझे क्या है, क्या चला, चला। चला फिश, ठीक है खाना बना रही है, मैं विवन का खाना बना रही हूँ, विवन बहुत बीमार है बाबा, 3 दिन से सोने नहीं दे रहा है अच्छे से, आई है ये तो ऐसा राइस पी रही है, हो गया है, अच्छा हो गया ना, A few moments later. ये दिखाते हैं क्या है, अच्छा भी है, अच्छा लग, कौन सा अच्छा है, कत टा कर 120 टाका केजी, इसका नाम है लॉटकॉर्न, इसके अंदर ना दाना होता है 5-4, खट्टा मीठा होता है,
लेना है 500 कम खाना है, ले लो 500 कम ले लेते, 500 कम दे दो, 500 आधा कीजिए। हाँ मैंने निकल भी दिया, ऐसा चार होता है, चार इसमें पांच है अदरक, देखो कोई में तीन होता है, किसी में तीन होते हैं, तीन होता है ना, वो बड़ा भी होता है, खाने में अच्छा लगता है। देखो इसका नाम है झालमुड़ी, बांग्लादेश का झालमुड़ी। इसका नाम है भूमि मिर्ची, इतना तीखा तीखा होता है ना, पूरा एकदम बहुत तीखा होता है, सब लोगों को नहीं देते, हम लोगों ने मांगा है हमको दे रहा है। आ रहा है ठीक है, हम पहले झालमुड़ी खाएंगे बाद में जाएंगे। अदरक उनका तुमने खाया पहली बार, अगली बार खाया था उनका, इस बार खा के देखना बहुत मजा आएगा। ये ऑयल आता है, ये घूगनी आता है दाल का, वेरी टेस्टी। लो ये देखो यम्मी, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो विवन बेबी के लिए एक्सपोर्ट का टी शर्ट लेके आया अभी जाके, ऐसा तो पता नहीं इंडिया जाते जाते कितना लेके आएंगे। तबीयत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरी, मतलब मेरी भी खराब हो गई विवन की वजह से। H&M का है, ओरिजिनल H&M का है, हाँ ये डुप्लीकेट नहीं है, 3 to 4 years का। मैं थोड़ा सा बड़ा साइज लिया, थोड़ा ढूला डाला पहनाऊंगी इसीलिए। अब प्राइस जानूंगी इसका कितना है, ये आपको मार्केट में अगर बड़ी वाला मॉल में जाऊंगे लेने के लिए 600 के नीचे नहीं आएगा, 600-700। और ये जस्ट मैंने जस्ट 120 में लिया, जस्ट 120 टाका, और ये इतना सस्ता में कहीं पे नहीं मिलेगा। और ऐसा बाटन वाला बहुत सारा था, बहुत मैंने बस ये तीन लेके आया, और अदरक साथ लेके आया वाला, ये भी एकदम ओरिजिनल मतलब ब्रांड का है, यही है ना सैंपल का होता है, इसीलिए थोड़ा सा एक दो पीस दुकान में मिल जाता है, एक ही दुकान में सब ओरिजिनल पीस नहीं मिलता, कुछ डुप्लीकेट भी होता है। ये ओरिजिनल पीस है, यहाँ पे टी शर्ट भी है, ये सब खोल के नहीं देखा ना, क्या ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल। ये टी शर्ट लेके आया, ये भी एक्सपोर्ट का है, प्योर एक्सपोर्ट का है ओरिजिनल। अरे यहाँ पे दो है, वाइट एंड वो कलर ब्लू कलर का है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आई, फ्रूट वगैरह, बस ये लेने के लिए गई थी। ये विवन को पहना के नीचे उतर दिया, क्या ना वो खेलते खेलते सुसु पुसु कर देता है बेड में। अभी तो उसको मूड अच्छा लग रहा है विवन का, थोड़ा तबियत अच्छा हुआ है, दवाई भी पिया है ना इसी वजह से, एकदम मुँह सूख गया है। और मैं इसीलिए मार्केट गई थी इसके पैंट लेने के लिए, उसका शॉर्ट्स कुछ क्या ना डायपर पहना नहीं सकते ना इसीलिए, और कुछ पैंट लेके आए, और कुछ फ्रूट लेके आए, कुछ मैंगो लेके आए। विवन कुछ भी नहीं खाते मैंगो, और विवन का सैलन बना के रखे हुआ अभी तक पिया ही नहीं इसने, और आदमी का थोड़ा पिया बाकी है ज़्यादातर। टी शर्ट लेके आया, एक्सपोर्ट का शर्ट लेके आया, यहाँ पे ना एक्सपोर्ट का शर्ट बहुत सस्ता में मिलता है, जो चीज़ 1500-2000 में मिलने वाला है ना वो 500-600-900 में मिलता है, अगर दुकान में होगा तो 900 में मिलेगा, अगर ऐसे छोटा सा बाहर जैसे होंगे ना तो 500-600 में मिल जाएंगे। देखो विवन को अभी डायपर पहनाना बंद है, ये लेके आया, ये एक्सपोर्ट का आता है, बहुत प्यारा प्यारा, जब पैनल छोटा था उसको खरीद के दिया था, बहुत प्यारा है, इसका कलर नहीं जाता, स्टिकर नहीं निकलते, और प्राइस भी बहुत कम है। ए अभी डायपर नहीं पहनना, बार बार ही पहनना है, तो दो मिनट बाद बाद सूसू करते करता है, और दो ऐसा पहना के गिला भी कर दिया है। 7 लेके आए थे, या 5 है, 7 पीस लेके आया इसके लिए, ये अभी नंगा पुंगा है, मुंह सूख गया, देखा वेट कम हो गया, 1.5 किलो वेट कम हो गया है 2 दिन का अंदर, पूरा हाल खराब हो गया मेरे बच्चे का। हाँ मंडू उसके ना गाँव में लेके वो लेके जाना चाहिए था, उसका दूध लेके जाना चाहिए था। अदरक चली जाएगा कल, अदरक बुरा लग रहा है क्या? और आंटी का हाल पूरा बेहाल कर दिया इसने 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 पूरा रात जा गया, क्यूट क्यूट सी दिखाई दे रहा है, 2 मिनट में गीला कर देगा बेचारे, डायपर भी नहीं पहन सकते, उसको रैशेस भी हो गया, पोटी कर करके पूरा वॉश कर करके दिन में 10 से 15 बार पोटी करते हैं थोड़ा थोड़ा करके ना, कैसा हो गया मेरे बच्चे का फेस एकदम। आज सुबह रूपाधी घर से आए हैं, रूपाधी को जाके एकदम तंग कर दिया था, बहुत तंग कर दिया था। हम गांव से सीधा रूपाधी के घर पे चले गई थी, और आज सुबह दीपाधी घर पे आ गई।
ये आम का नाम क्या है पता है? क्या नाम था? अमरूपाली। यहाँ पे ना अभी फुल आम का सीजन है गुजरात में, आम कब का खत्म हो गए हैं। 120 रुपए किलो महंगा ले लेना। हाँ अभी खत्म होने वाला है ना, इसीलिए अभी यहाँ पे मैंगो का सीजन चल रहा है, फुल सीजन। और पता है दीदी गुजरात में ना इस टाइम पे मैंगो कोई खाएगा ना, ऐसा आम मैंगो तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो कीड़ा मिलेगा, व्हाइट व्हाइट का कीड़ा, ऊपर से एकदम अच्छा रहेगा लेकिन कीड़ा होता है। ए पापा चली जाएगा कल। हाँ हम लोगों को तो 12 बजे दे रहा है विवान, पापा कुछ करता नहीं है। हाँ पापा तो को शांति मिल जाएगा बाद में, और पोटी पोटी क्लीन नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ आद्रिक व्हाट यू मेक? ओरे आद्रिक मैगी बना रहे, ज्यादा होगा आपके लिए। दू मैगी पूरा डाल दिया, मिर्ची भी डाला। क्या प्लेट तो यहाँ पे ही है, ये देखो बड़ा चाहिए आपको। ये ना बाउल में, बाउल में खाओ, बाउल में अच्छा रहेगा, गरम लगेगा। गरम गरम तो चाहिए, इतना कुछ है घर पे लेकिन खाएगा क्या? मैगी, क्योंकि सब कुछ नॉन वेज है। दीदी ने बोला था नूडल्स बड़ा करेगा, वेजिटेबल्स वाला, लेकिन उसको ऐसा पसंद नहीं है। थोड़ा ग्रेवी रखो, फ्लेम थोड़ा कम करो फ्लेम को। वाओ आद्रिक मेक मैगी, यू क्या पकड़ने का? ये नहीं है, तुम जो ढूंढ रहे हो नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे, क्योंकि दिस इज द बांग्लादेश, बांग्लादेश में कोई भी कांची यूज नहीं करता। मसाला कौन सा डाला? इंडिया का वो भी डाला, दोनों डाला। खा पाओगे पूरा? खा लेंगे, खा लोगे। पता है मैगी कब खाते हैं लोग? जब घर पे कुछ खाना नहीं होता। और तुम कब खा रहे हो? जब घर पे सब कुछ है तब भी है। फोल्टू बोल्टू, अभी वन खेल रहे हैं मजा से फिलहाल, थोड़ा तबियत अच्छा लग रहा है। भाई तू देख मत, ये अभी देखेगा तो आ जाएगा तुम्हारे पास। ये थोड़ा तबियत अच्छा लग रहा है उसको फिलहाल, दीपा आंटी को देखे ज्यादा अच्छा लग रहा है। पेनल दादा को याद है? पूरा दिन पेनल दादा का बाल पकड़ के खींच रहा था। बांग्लादेश की मैगी नहीं, हम उसको नूडल्स बोलते हैं, नूडल्स, ठीक है, नूडल्स नूडल्स, मैगी नहीं बोलते। मैगी तो एक ब्रांड का होता है बस। बट घर पे जब कुछ खाना ना हो तो बोलते मैगी बना के खा ले। ये है इसका डिनर, हमारा डिनर दिखा दे दीदी ने क्या बनाया, खर्चा बनाया, स्पाइसी खाना है उसको खाना था। क्या कर रहा है? ये है दीदी ने बनाया, देखो ये छोटा फिश मैंने दिखाया था ना, ये फिश का कारी बनाया और हम अभी खा लेंगे, इसलिए हम जस्ट दूसरे में डाला नहीं। और दीदी खाना ऐसे नीचे रखते हैं, गरम करना पड़ेगा। ये क्या है? ओ फिश का जो एग आता है ना, एग फ्राई है, फिश का फिश एग फ्राई, ठीक है, इसको कुछ अलग नाम बोलता है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अभी मैं खाना खाऊंगी। ये है डमी स्टिक जो आता है ना, डमी स्टिक लिप्स, ठीक है, और यह दाल, ये है दूर से वाला छोटा पीस, इसका नाम है केसकी। तुम खाओगी केसकी? केसकी खा के बेसकी मानना, ठीक है ना? दोबारा सुसु के इसने खिलाना मत, खिलाना मत, टीका लगेगा, टीका लगेगा। अच्छा हो चार पांच पेंट लेके, सात पेंट लेके इसके लिए। या फिश खिला दिया, टीका टीका। टीका खिला दे उसको, कोई नहीं उसको आदत है थोड़ा थोड़ा। या छोटा सा फिश है ना, लाल मिर्ची से हरी मिर्ची से डाल के बनाया ना, इसीलिए अभी हम खाना खा लेंगे। यहाँ पे बना रहा विवन के लिए रात के खाना। विवन देखो क्या कर रहा है, मैगी खाने के लिए, मैगी बहुत तीखा है। और विवन के खाना बना रही हूँ, डॉक्टर ने मना किया उसको कोई भी मिल्क के आइटम नहीं देने के लिए। अभी मैं दूध से मिल्क नहीं दे रहा हूँ, तो सुबह क्या ना दीदी का घर से आई थी ना, रूपा दीदी के घर से, तो थोड़ा सा तबियत ज्यादा खराब था। और कल परसों बहुत ज्यादा पोटी कर दी, मैं 15 से 20 बार पोटी किया, वेट भी बहुत कम हो गया, 1.5 किलो वेट कम हो गया, माय गॉड। और विवन के लिए रात के लिए अभी नहीं, मतलब अभी तो थोड़ा सा राइस खाया है, राइस प्योरी। और रात के लिए मैं देखो एक खेजूर और यहाँ पे सूजी, सूजी में ज्यादा रोस्ट करके डब्बा में भर के रख दूंगी, क्या ना हर टाइम मैं सूजी का खाना बनाती हूँ, इसलिए
साथ में सूजी को रोस्ट करके रख देता हूँ। और ऐसे एक्चुअली इसको मैं घी से रोस्ट करता हूँ और आज घी के बगैर रोस्ट कर रही हूँ। और क्या ना, तेल का खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं बॉडी में ना गर्मी के कारण बॉडी में ऐसा हो जाते हैं, मतलब इसीलिए पोटी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको बनाऊँगी खाना और शुगर की जगह में मैं ऐड करूँगी खजूर, क्या ना खजूर बहुत हेल्दी होता है, और पानी, दूध की जगह में पानी ऐड करूँगी। और इसीलिए मैं जस्ट अभी ऐसी मेकिंग कर रही हूँ। और दौरी का क्या कर रहा है, राइस का पानी निकल रहा है, स्ट्रेन कर रहा है। और यहाँ पे ऐसे ही भात बनाते हैं, ये वाला तापीली में पतीला ना पतीली जो भी है। और विवर का तबीयत सुबह से थोड़ा अच्छा है ना रितिका, दो दिन तो हमारा हाल बेहाल कर दिया। और रितिका का पिंपल निकल गया, दो दिन से सोया नहीं अच्छी तरह से, मेरी तो कुछ निकला नहीं, मेरा आँख कान से ब्लैक ब्लैक हो गया है। आज थोड़ा तबीयत ठीक है तो अच्छा लग रहा है, बाप रे ठप करके रखा था, आज सो जाऊंगी पूरा रात और जागेंगे भी, ऐसा बोल रहा है। चलो उसके खाना रेडी कर लेता, थोड़ा गर्मी लगता है क्या, किचन में बहुत गर्मी लगती है, मैं आती ही नहीं हूँ किचन में, खाना बिल्कुल नहीं बनाती, ओनली भिवन का खाना बनाती हूँ और कुछ नहीं, वो भी दीदी कभी कभी बना लेती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर।